वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रैंडी ऑर्टन वर्सेस गंथर के सेगमेंट को लेकर, जो कि हमें आज के रॉ के मिड में देखने को मिला, यानी कि मिड सेगमेंट यहाँ पर ये था। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। ओके, सो चलते फ्रेंड टॉपिक पे आते हैं। सो द वाइपर रैंडी ऑर्टन हमें यहाँ पर देखने को मिले फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन उसके बाद यहाँ पर हमें द रोइंग जनरल गंथर भी देखने को मिले। तो आप लोग को पता ही है WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप किसके पास है। करंटली ये चैम्पियनशिप है अभी यहाँ पर ऑब्वियसली गंथर के पास में, तो यहाँ पर चैलेंजर भी उनको चाहिए। तो चैलेंजर के तौर पर मे भी यहाँ पर द वाइपर रैंडी ऑर्टन नेक्स्ट हो सकते हैं, और वो चीज़ें यहाँ पर हमें क्लियर होते हुए दिखाई देती है इस सेगमेंट के दौरान, जहाँ पर गंथर रैंडी ऑर्टन के मतलब दादा परदादा सभी को यहाँ पर लपेट लेते हैं अपने इस सेगमेंट के अंदर, और यहाँ पर सभी को कहते हुए दिखाई देते हैं कि सब के सब, यानी कि चाहे इनके परदादा हो या चाहे दादा हो, चाहे रैंडी ऑर्टन हो, खुद ये सब स्क्रू करते आए हुए हैं। मतलब यानी कि पूरे के पूरे शो को और पूरे के पूरे यहाँ पर अपने करियर जैसे कि स्क्रू करते हुए दिखाई दिए है, और इनका ना ही कोई प्रॉपर करियर था। तो ये कुछ यहाँ पर गंथर एक तरीके से काफ़ी पर्सनल बनाते हुए दिखाई देते हैं। तो चीज़ें यहाँ पर चीज़ें धीरे धीरे पर्सनल हो रही हैं, और पर्सनल होते होते मुझे लगता है कि प्रोफेशनल लेवल पे भी जाते हुए दिखाई देंगी, एंड देन इसके बाद बैश इन बर्लिन में इन दोनों के बीच में मैच देखने को मिल सकता है, द वाइपर रैंडी ऑर्टन वर्सेज द गंथर। आई थिंक मोस्ट रिस्पेक्टेड मैच अगेन, जो कि हमें देखने को मिला था जो हमें सऊदी का पेपर भी देखने को मिला था उसके अंदर। तो अभी ये चीज़ें काफ़ी बड़ी बात है, लेट्स सी क्या होता है। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन है इस थिंग को लेकर, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर बार ये गेम करे, खून मेरा बॉइल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें। रेली या सॉफ्टवेयर, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप।